भाई लोग कैसे आप सब लोग और आप सब लोग देख रहे हैं आपका अपना आयुष्कान। तो भाई लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज वीडियो को लाइक करना मत है। एंड गाइस आज के इस एपिसोड में जो कलवा भाई है हमने ली है ड्रिफ्ट किंग की बाइक कार। आप सबको पता होगा कि ड्रिफ्ट किंग की कार कौन है। अगर आपने देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो मूवी तो उसके अंदर जो है डीके यानी कि ड्रिफ्ट किंग जो कार होती है भैया ले लिया भाई ने तुम्हारे ड्रिफ्ट किंग की गाड़ी। ओ पर हाँ ये निसान की कार है पर थोड़ी सी ठुकी हुई है। अब देखो इतने पैसों के अंदर तो आपको देखो थोड़ी बिल्कुल फ्रेश चीज तो देखो मिलने से रही तो थोड़ी सी बहुत ठुकी भी देखो दोस्तों मिलती है। तो पहले तो मैं इसको मॉडिफिकेशन इसकी करवाऊंगा और देखूंगा इस गाड़ी में क्या कुछ मिलता है। बट दोस्तों बहुत महंगी मिली है मेरे को इसी कंडीशन में क्योंकि गाड़ी जो है फुली मॉडिफिकेशन है। गाड़ी का इंजन बिल्कुल है बस वो तो इंजन विंजन सब सही है लाइट्स वाइट सब सही है बस थोड़ा सा बॉडी का डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है। टायर वायर अभी जस्ट चेंज किए हैं भाई ने गाड़ी के तो मैंने कहा भैया मस्त गाड़ी है। चलो अगर मैं इंटीरियर वाइज बात करूँ गाड़ी के लेट मी शो यू गाइज इंटीरियर वाइज गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो चलो चलते हैं अभी इसको लेकर। और गाड़ी का जो एवरेज है एवरेज भी बहुत सही देती है मतलब कि आपको मतलब एक किलोमीटर मतलब जो एक लीटर पे गाड़ी चल जाती है 5-6 किलोमीटर बस क्योंकि स्पोर्ट्स कार है ना यू नो दैट गाइस। एंड ऐसी गाड़ियाँ जो आपका पेट्रोल है बहुत ज़्यादा बर्न करती हैं तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को भी पता होगा इट्स अ स्पोर्ट्स कार। एंड स्पोर्ट्स कार का मीनिंग ही क्या होता है भैया दिस इज पावर हमको पावर चाहिए गाड़ी के अंदर पावर। ये येलो लाइट्स है ना आई हेट दिस टाइप ऑफ लाइट्स मैं इसके अंदर जल्दी से एक्सोनोस लाइट्स लगवाने वाला हूँ दोस्तों और बहुत मजा आएगा। डीके की आप ये वाली गाड़ी निसान की एक बार मेरे को बताओ जिस भाई ने देख रखी है। इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है दोस्तों गाड़ी की ब्रेकिंग मेरे को बहुत ही ज्यादा मस्त लगी है गाड़ी की। और ड्रिफ्ट किंग की गाड़ी है तो दोस्तों ड्रिफ्ट तो करती है पर अभी कलवे को खंड उतरी थी कलवे लाइट तोड़ दी लाइट ही टूटी है पर दोस्तों बॉडी बहुत अच्छा है बॉडी रोल के हिसाब से कार बहुत अच्छी है। देखो कहीं पर ठूक जाती है ना तो ज़्यादा इसको गाड़ी को जो नुकसान नहीं करना होता है गाड़ी का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है ऑब्वियसली बात है। और गाड़ी भी ऐसी लेनी चाहिए जिसका ज़्यादा नुकसान ना हो। अब ये नहीं ले रहे तुम किसी ने प्लास्टिक की गाड़ी ले ली और बट ठूक गई तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है ऐसे कुछ नहीं दोस्तों गाड़ी ड्रिफ्ट के लिए बनी है। अरे व्हाट इज दिस यार व्हाट इज दिस उत्तरी भैया आगे का वो निकल गया इसका। चलो बोनट तो लगवा दूंगा इंजन देख रहे हो भाई की गाड़ी का क्या मस्त इंजन है दोस्तों इंजन ही देख लो तुम यार ये ड्रिफ्ट बहुत खा रही है दोस्तों गाड़ी दिस इज अ ड्रिफ्ट कार। ओह क्या भयंकर ड्रिफ्ट का सीन है यार इसकी कार के साथ और कलवे पे है ना समझ नहीं रही जैसे ड्रिफ्ट गाड़ियाँ होती हैं ना तो जो डीके था वो तो भैया मस्त तरीके से चलाता था इसको। अरे यार शिट कार के अंदर से आवाज़ भी आने लग गई है अब इसको ठीक तो करवानी पड़ेगी वरना बोल रही है अब करवा दो ठीक वरना तो ख़त्म हो जाऊंगी मैं। मैंने कहा चलो यार करवाते हैं दोस्तों ठीक। अरे तेरी ओ तेरी शिट 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 हाँ चलो चलिए उत्तरी भयंकर भयंकर गाइस दिस इज भयंकर भयंकर ड्रिफ्ट गाई। मैंने पहले सोचा नहीं था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है बट बहुत सही कार है यार बहुत सही। इसको पेंट जॉब भी है ना सिर्फ व्हाइट कलर करवाऊंगा ऐसे दुम दबा के चमकेगी ना गाड़ी। ऐसे ड्रिफ्ट तो ऐसे खाती हुई चलती है जैसे पता नहीं किसका राज हो है दोस्तों ड्रिफ्ट तो ऐसे खाती है जैसे पता नहीं किसका राज चल रहा भैया। चलो हाँ जी पाजी फ्री फ्री में करोगे हाँ पीछे क्यों जा रही है स्पोर्ट्स ब्रेक फ्रंट बम्पर उसने ऐसी कर रखी थी मैं ऐसी करवाता हूँ ये सही लगेगा दोस्तों रियर बम्पर नो वो ही सही है इंजन लेवल 4 हुच हाँ
ये सही है दोस्तों, हॉर्न देखो ये सही है, लूप नो म्यूजिकल ये सही है। ये क्या है दोस्तों, हाँ ये तो लगवानी है दोस्तों, लाइट्स हेडलाइट्स एक्सनोस लाइट्स नियॉन किट नियॉन लेआउट ये, और नियॉन किट हॉट पिंक करूँगा मैं, हॉट पिंक ओके। प्लेट ब्लैक ऑब्वियसली, रेस पर प्राइमरी कलर मेटैलिक, आइस फॉल्स वाइट, आइस वाइट फॉल्स वाइट आइस वाइट, आइस वाइट इज बेहतरीन कलर, सेकेंडरी कलर मेटैलिक, कहाँ का कलर चेंज हो रहा है वैसे ही, जो भी है दोस्तों जो भी है, खैर मुझे दूसरा सेकंड कलर नहीं छोड़ना, स्किट्स या स्किट्स वाइट कलर के सही है, स्पॉइलर दिस इज फुली स्पोर्ट्स कार गाइस, तुम्हारे भाई ने टर्बो यस नहीं व्हील सही है यार, विंडो टिंट पूरी ओ भाई साहब, टायर कितने अंदर घुस गए दोस्तों गाड़ी के, वो भयंकर ए सवीटी फोड़ता चक ले कर, अगर मैं गाड़ी पावर की बात करूँ ना कार के, तो यहाँ पर खड़ी करता हूँ गाड़ी, यहाँ पर खड़ी करके सबसे पहले मैं टाइम चेंज करना चाहूँगा गाइस, बिकॉज टाइम इज मोर एफिशिएंट टू नाउ अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है अब मैं इसके सारे मतलब व्हीकल ऑप्शन में जाकर इसके सारे डोर मेन्यू वगैरह सब कुछ खोलने वाला हूँ। ठीक है तो जाहिर सी बात है ये जो गाड़ी है ना पिछवाड़ा तो इस गाड़ी को कुछ भी नहीं खुलता है, वो सिर्फ फिक्स है, और अगवाड़े में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर ये बूस्ट वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर भी बूस्ट पीछे बूस्ट पूरी मतलब रेसर कार है। ठीक है ना, ठीक है इतना तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे अब तक इस गाड़ी के बारे में, और फ्रंट से मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो इंजन है ना और जो इसकी पावर है, जो उसकी पावर है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ये देख रहे हो क्या मस्त इंजन इसके अंदर डिज़ाइन किया गया है, और सारी चीज़ें जो है बहुत भयंकर तरीके से लगाई गई हैं, और ड्राइवर साइड की अगर मैं बात करूँ वो एक क्लच ब्रेक रेस और आपको ये सब कुछ देखने मिल जाएगा, मैनुअल है और स्पॉइलर वगैरह पीछे से देखने के लिए मिल जाएगी इस टाइप पे। ठीक है ना तो चलो बैठ कर देखते हैं, सीट कम्फर्टेबल बहुत सही है, सीट कम्फर्ट गाड़ी का जो है एक क्लोज पार्ट, बिकॉज कि गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट चलती है और कार चलाने में मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है ना तो चलो चलते हैं, सो गाइस लेट्स सी कि गाड़ी जो है कितने के एम पी ए तक जा सकती है, तो इसके लिए तो गाइस हमें जाना पड़ेगा नॉर्थ एक्सप्रेस वे पे, रुक जाओ किधर है वाला वे, आई थिंक सर ये इधर वाला रोड है, नो 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 या यही वाला रोड है दोस्तों, तो मैं जरा वहाँ पर जाकर जो गाड़ी की मतलब पूरी स्पीड खोलता हूँ, देखते हैं क्या है, खुल तो यहाँ पर भी जाएगी पर वही है ना खुलने से पहले यहाँ पर जो है कांडबाजी हो जाती है, और ड्रिफ्ट में तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सही चल रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सही, जरा सी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, एकदम हार्ड ब्रेक लेते हैं, केएफसी में जाना है किसी को जो जाना चाहता है चले जाओ भाई, तो मतलब ब्रेकिंग भी बहुत सही है कार की और फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ही ज़्यादा सही है। चलो दोस्तों मैं तो बोलूँगा ना हम यहाँ से शहर की ओर चलते हैं यार, ठीक है ना हम यहाँ से शहर की ओर चलते हैं, चलो छोड़ो हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों शहर की ओर, और मैं शहर की ओर आपको चल के दिखाना चाहूँगा,
ओके फिलहाल तो गाड़ी बहुत सही लुक दे रही है दोस्तों, और अभी आगे जैसे चलेंगे तभी पता चलेगा, मतलब एक वो पे आपको पूरी मतलब जानकारी नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। सही कह रहा हूँ ना मैं? चलने दो। ओके, तो फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बहुत ज़्यादा सही है, और के एम पी जो 300 के आसपास जो 0 to 2 सेकंड के अंदर जब पहुँच जाती है, 1 मिनट से भी कम टाइम है 350 की स्पीडिंग में जो पकड़ ली है। स्पीड की बात की जाए तो नो डाउट दिस कार इज मेड फॉर स्पीड, दिस गाड़ी इज मेड फॉर स्पीड गाइस, नो डाउट। हाँ, अगर इतनी स्पीड पे इसमें ब्रेक भी मारोगे ना तब भी ये झटके खाएगी, पर कुछ नहीं होगा, पूरी बॉडी जो है सॉलिड स्टील की बनी हुई है, तो या कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि पूरी बॉडी जो है इसकी मतलब फुल इसकी बनी हुई है। अगर हम इसको फुल मैक्स मोड मेन्यू करते हैं तो या इसके ऊपर से स्किट्स आ जाएंगे और टायर जो चेंज हो जाएगा, स्किट्स और टायर चेंज, देख रहे हो, ये भयंकर वाली बन जाएगी फिर, एक हेडलाइट वाली गाड़ी। चलो तो हम इसको रात में चलाकर देखते हैं गाइस के रात में गाड़ी का मतलब क्या फील आता है, और कार जो है मतलब किस तरीके का लुक दे देती है। ओ इनसेन थिंग, इनसेन। और दोस्तों रात में चलाने में तो देखो हर कार का अपना ही अलग मजा है, मतलब कि जब तक हमारी आंखों पर चोट ना पड़े दूसरे की तब तक ही मजा है, उसके बाद सजा ही सजा है। और इंजन पावर लाजवाब, इसके जैसी पावर आपको कोई कार नहीं देने वाली है, एवरेज नहीं देती है दोस्तों ये गाड़ी, मैं आपको पहले ही बता दूं एवरेज इसकी बहुत ही ज़्यादा लो है, पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं यार रेसिंग कार है, तो रेसिंग कार की तो ऑब्वियसली समझ ही पा रहे होंगे आप सब कुछ क्या क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, और जैसे DC बनती है ना इंडिया की, तो वैसी लगा लो, वैसी लिए निशान की गाड़ी है, और निशान वाले तो भैया गाड़ी बहुत सही बनाते हैं, और जो फास्ट एंड फ्यूरियस में ज़्यादातर रेस होती है उसके अंदर सारी कार इसी तरीके की यूज़ की जाती है। तो ये 350 की स्पीड इसकी जो है मैक्सिमम है, 350 लग जाती है, 350 लगने में थोड़े बहुत नखरे करती है, पूरे 350 भी चली जाती है, उसके अबव भी जाती है, और बहुत सही चलती है दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो, मुझे ज़रा से भी मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं करना पड़ रहा है गाड़ी को ड्राइव करने में, कि मतलब फुली एक्सेलरेशन देना, और जब ठुकेगी गाड़ी तो ऐसे ठुकेगी, ठीक है, और कार हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगी निशान की, बहुत लोग जो मांग रहे थे, तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो किस तरीके की, वीडियो पसंद आएगी दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।